वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो कुछ टाइम पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था और जिसमें आपसे मैंने पूछा था कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद है, आपको मेरा कंटेंट पसंद है, नहीं पसंद है, या फिर आपको मेरा ओल्ड कंटेंट पसंद है। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग आई थी कि हमें आपके व्लॉग्स पसंद है, तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग्स ही बनाऊँगी। और ये व्लॉग मेरा बहुत टाइम के बाद आ रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने व्लॉग्स डाले थे बट उन पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। पर ठीक है, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद है तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग्स ही बनाऊँगी। सो आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है बट आज मैं मेरे लिए बनाने वाली हूँ सैंडविचेस। मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरी मम्मी करती है मेरे लिए, बट मैंने सोचा कि आज मैं खुद बनाती हूँ। और जो मैं बनाती हूँ सैंडविचेस उसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसलिए मैं बहुत जल्दी भी बना लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको उनके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ, फिर आप देखना बहुत ही ईजी और सिंपल वे से हम बनाएंगे सैंडविचेस। सो गाइस, मैं आ गई किचन में और हमें हमारी सैंडविचेस के लिए सबसे पहले वेजिटेबल्स को कट करना है, और बहुत ही कम वेजिटेबल्स को कट करना है। मतलब हमें सिर्फ एक अनियन और कुकुम्बर को ही कट करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारी वेजिटेबल्स को कट करते हैं। गाइस, हमारी वेजिटेबल्स कट हो चुके हैं और ये बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें सैंडविच बनाने में लगेंगे, जैसे कि है ब्रेड, मेयोनीज, और ये है टोमेटो केचप, घी, ये मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और ये कुछ स्पाइसेस, और सबसे मेन हमारा सैंडविच टोस्टर जो कि बहुत गंदा हो चुका है, आई नो। सो गाइस, हमारी सैंडविचेस हैं रेडी। और देखो गाइस, ये देखने में कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही हैं। और मैं इसके अंदर से आपको इसकी फीलिंग दिखा देती हूँ। ये देखो, एकदम सिंपल सी फीलिंग है, हमने इसमें ज़्यादा वेजीज ऐड करी नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम खाकर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सीरियसली, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हमने बहुत ही इजी वे से बनाया इसको। हमने कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सैंडविचेस बनाने मैंने देखा है यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत कुछ डालते हैं वो ऐसा वैसा, बट ये सिंपल है, एकदम ईजी और बहुत ही टेस्टी भी है। आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हो अगर आपको भूख लगे हो कभी। खुद ट्राई करना, मम्मी से मत करवाना, खुद ट्राई करना, बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे रिकॉर्ड करते टाइम देख लिया था, और जब भी वो मेरे को रिकॉर्ड करते टाइम देखती तो हंसने लग जाती है, पता नहीं क्यों, तो मुझे भी हंसी आ जाती है। और यहाँ पे बस मैं बाबा जी बन के सैंडविच खाती रही, खाती रही, खाती रही। Thank you.
देखो गाइस, यहाँ पे सैंडविच ख़त्म करने के बाद ही मम्मी ने मेरे लिए चाय बना दी। मतलब मैं दिन में चाय पीती नहीं हूँ, बट मैंने कहा ठीक है अगर ज़्यादा बन गया। और ये देखो मैंने कैसे मलाई निकाली, क्योंकि मुझे चाय के ऊपर मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप भी ऐसे मलाई निकालते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देखो बस मैं ऐसे मम्मी के साथ बातें करते करते चाय पी रही हूँ। चाय बहुत टेस्टी बनी थी लिटरली। सो गाइस, चलिए बस छत पे चलते हैं, क्योंकि एक्चुअली कल मम्मा ने मुझे बोला था कि कल कपड़े ले आ, और कल मैं एक सॉक्स भूल गई छत पे, तो इसलिए मम्मा मुझे गुस्सा कर रहे हैं कि लेके आओ, तो इसलिए सॉक्स लेने चलते हैं ऊपर। ये देखो मम्मा ठीक कह रही थी, नीचे पड़ी है ये। एंड गाइस, जब मैं छत पे आई तो मैंने देखा कि वेदर इतना ज़्यादा सुंदर हो रहा है, मतलब स्काई देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में भी इसको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था स्काई। और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या अजीब सी हरकतें कर रही थी, मतलब मुझे खुद कुछ नहीं पता। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।